नमस्कार दोस्तों, बिंदिया प्लस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मूंग के वड़े। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे घर पर जरूर बनाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं मूंग के वड़े। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बिंदिया प्लस किचन को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरे मूंग के वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए हरा मूंग, हमने लिया है जिसे हमने ओवरनाइट पानी में भिगो के लिया है। अभी हम इसे चर्न करेंगे। 7 से 8 लहसुन की कलियों को हमने लंबा लंबा काट लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट के लिया है। थोड़े से हरे धनिया को हमने बारीक काट के लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। वड़े को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए। अभी एक मिक्सी जार में हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ अदरक। इसे हम मूंग के साथ ही पीस लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे मूंग, इसे पीसते टाइम आप इसमें पानी मत डालिए, इसे हमने दरदरा ही पीसना है। अभी हम इसे पीस लेंगे। मूंग को हमने पीस लिया है, इसे हमने ऐसे दरदरा ही पीसना है। बहुत महीन इसकी पेस्ट नहीं बनानी है। इसी तरह से हम सारे मूंग को पीस लेंगे। सारे मूंग हमारे पीस कर तैयार हैं। अभी हम इसे फर्मेंटेशन के लिए 3 से 4 घंटे रख देंगे। 3 से 4 घंटे हमारे हो गए हैं, हमारा बैटर फर्मेंट होकर रेडी है। अगर आप चाहें तो इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अभी हम सबसे पहले एक बोल में बैटर डालेंगे अभी हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हम थोड़ा फेंट लेंगे जिससे कि हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। बैटर को पीसते टाइम हमने लहसुन और अदरक को डाला था, साथ ही साथ इसमें मिलाएंगे हरा धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक आप वड़े बनाए उसी टाइम इसमें डालिए, नहीं तो बैटर हमारा सॉगी हो जाता है। एक बार फिर से इसे फेंट लेंगे। दो से तीन मिनट अच्छे से इसे फेंट लीजिए। बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है, अभी हम इसके वड़े बनाएंगे। साथ ही साथ हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल को एक बार हम चेक कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसे हम निकाल देंगे और वड़े को हम फ्राई करेंगे। अभी हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। एक बारी हम इसे आधा आधा कच्चा है उसी टाइम इसे निकाल देंगे, फिर इसे हम ठंडा होने के बाद दूसरी बार फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका लेयर एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे।
क्रिस्पी बनेंगे। सारे वड़े हमारे ठंडे हो गए हैं, अभी हम फिर से इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो दोस्तों रेडी है हमारे गर्मा गर्म मूंग के वड़े। इसे हमने प्याज और तली हुई हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए, फीचर वीडियो को देखने के लिए राइट में क्लिक कीजिए। अगर आपने हमारी चैनल का ट्रेलर नहीं देखा है तो टॉप सेंटर में क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।